इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा की तफसीर में وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो कहते हैं फ़ी हाज़िही आयत शर्त, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक शर्त ज़िक्र किया है, लिमन दुआहु अन युजीबहू, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करेगा, कमा अजाबहू, जैसे कि उनकी दुआ को कबूल किया, उनकी यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की, वो योनत जी ही कमा नजा हो, और ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे निजात दे देगा जैसे कि उनको निजात दिया, और वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान वकदालिका नुंजिल मुमिनीन, वकदालिका नुंजिल मुमिनीन, और इसी तरीके से हम तमाम ईमान वालों को निजात देने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर उस शख्स को जो ईमान के रास्ते पर कायम हो और यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह से इन कलिमात के साथ दुआ कर रहा हो, ईमान के शर्त के साथ, ईमान के शर्त के साथ, अगर वो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ इख्तियार करता हो तो रब्बे करीम ने वादा फरमाया है कि जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम को हमने निजात दिया, उनकी दुआओं को कबूल किया, ऐसे ही हम जिसे कहा फस्तजबना लह, हमने कबूल कर लिया, वनजयना, और हमने उन्हें निजात दे दिया, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे ईमान वाले लोगों के साथ करने वाला है, वकदालिका नुंजिल मुमिनीन,